जेम्स ज्वेलरी काउंसिल के वाइस चेयरमैन राजेश रोखड़े हैं जो यहाँ पर ज्वेलरी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करेंगे। अब आपके पास आ रहा हूँ मैं राजेश जी। राजेश जी, आपका पक्ष इसमें क्या है? क्या 1 से 1.5 साल का वक्त पर्याप्त होगा जो छोटे यहाँ पे रिफाइनर्स हैं उनके लिए? विश्वमोहन जी, मैं सबसे पहले तो हॉलमार्क एसोसिएशन ने जिस तरीके से गवर्नमेंट को गुमराह किया है, मैं ये वर्ड बड़ी जिम्मेदारी से वापर रहा हूँ, क्योंकि इसके पहले भी अजमेरा जी ने ऐसे ही टीवी पे बताया था कि हॉलमार्किंग के वजह से क्लेरिटी आएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी। लेकिन ये बता दूं कि ये इंडस्ट्री पहले से ही बहुत ट्रस्ट वाली इंडस्ट्री है। सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी अगर है तो इसी इंडस्ट्री में है। उनका अभी थोड़ी देर पहले मैंने सुन रहा था, उनका ये कहना था कि हॉलमार्क के लिए डिमांड थी बुलियन की, कि कुछ जगह में बुलियन प्योरिटी को लेकर कुछ प्रॉब्लम है। एक सिंगल कंप्लेंट भी पूरी हिंदुस्तान की नहीं है, किसी भी ज्वेलर्स की, राइटिंग में भी नहीं है और ओरली भी नहीं है। तो ये जबरदस्ती हॉलमार्क एसोसिएशन का किया हुआ ये बलून है जो गवर्नमेंट के सामने में पेश किया गया, पहला बात। दूसरा ऐसा है कि इसमें सबसे ज्यादा अगर फायदा होने वाला है तो दो लोगों को होने वाला है, एक तो हॉलमार्क एसोसिएशन के लोगों को और दूसरा रिफाइनरीज को। जिस तरीके से अभी आपने कहा, अजमेरा जी ने भी कहा, 44 रिफाइनरीज पूरी हिंदुस्तान में, लेकिन 44 तो छोड़िए साफ, 17 या 18 केवल वर्किंग पोजीशन में। तो 44 तो सिर्फ नाम मात्र है, लेकिन वर्किंग पोजीशन में 17 से 18 है केवल और केवल। इतना बड़ी इंडस्ट्री 17 से 18 लोगों के हाथों में देना और इस इंडस्ट्री में कालाबाजारी करना, ये इसका मुख्य ध्येय है। एक आपको नई चीज बताता हूँ, वैसे बात तो आपको पता होगी लेकिन दर्शकों को भी मालूम पड़े कि जितने भी हॉलमार्क सेंटर है वो ज्यादातर रिफाइनरी जो करते वो ही लोगों के। इसके पहले भी गवर्नमेंट के सामने में हॉलमार्क एसोसिएशन ने गुमराह किया है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ सेल और लास्ट पॉइंट ऑफ सेल में। अभी तक के 766 डिस्ट्रिक्ट में से 348 डिस्ट्रिक्ट में ही हॉलमार्क मैंडेटरी हो पाया है। इसी वजह से अगर सही मायने में अगर ये बोलते हैं तो सबसे पहले पूरे डिस्ट्रिक्ट में हॉलमार्क सेंटर तो खोलने के लिए क्या रोड मैप है इनके पास? एसोसिएशन, हॉलमार्क एसोसिएशन इसमें बिल्कुल चुप रहती है। पहले सिर्फ 500-600 हॉलमार्क सेंटर थे, अभी 1500 से ज्यादा हॉलमार्क सेंटर पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन वो हॉलमार्क सेंटर वहीं खुल रहे हैं जहां पहले से। इसका मतलब यह है कि हॉलमार्क एसोसिएशन ही नहीं चाहती है कि पूरे इंडिया में हॉलमार्क हो, हॉलमार्क सेंटर खुले। अब रही बात, मैं फिर से इस पे आता हूं, बुलियन हॉलमार्किंग पे। अब बुलियन हॉलमार्किंग हमारे लिए पीड़ादायक क्यों है वो समझने की जरूरत है। आज के तारीख में हॉलमार्क, अगर मुझे बुलियन हॉलमार्किंग करना है, अगर मेरे पास पुराना सोना 100 ग्राम पर डे का आता है या 200 ग्राम अगर मैं पर डे का सोना अगर पुराना रिफाइन के लिए आता है, तो मुझे वो गलाई करके NABL सर्टिफाइड जो 17 रिफाइनरी फिलहाल है उन्हीं के पास मुझे भेजना पड़ेगा। इससे मेरे को मेरी तकलीफ ये होने वाली है कि 1 तारीख को मैं जो 200 ग्राम भेज रहा हूँ वो सेकेंड डे, मतलब पहले दिन मैं गलाई करके 2 तारीख को उनको भेजूंगा, 3 तारीख को उनको मिलेगा, 4 तारीख को वो टेस्ट करेंगे, 5 तारीख को रिफाइन करके 6 तारीख को वो भेजेंगे, 7 तारीख को मुझे मिलेगा। इसमें अगर एक संडे आ गया तो पूरी इन्वेंट्री मेरी 8 दिन के लिए ब्लॉक होगी। अच्छा, ये 1 तारीख का 8 तारीख को मिलेगा, 2 को 9 को मिलेगा, 3 को जो भेजूंगा वो 10 को मिलेगा। मतलब मेरी इन्वेंट्री 200 ग्राम पर डे, मतलब 7 दिन का अगर मैं मिनिमम पकड़ता हूँ या 8 दिन का पकड़ता हूँ तो 1.5 किलो की इन्वेंट्री एज अ रिटेलर मेरी ब्लॉक हो जाती है। देखिए, हॉलमार्क एसोसिएशन या रिफाइनरी एसोसिएशन को इसमें फायदा है, बट रिटेल इंडस्ट्री का क्या होगा? उनका तो मेटल ब्लॉक हो रहा है। मेरा एक ही कहना है या हमारी इंडस्ट्री का एक ही कहना है, रिटेल इंडस्ट्री या एपेक्स बॉडी होने के नाते, कि जब तक के पूरे हिंदुस्तान में कम से कम 500 से ज्यादा रिफाइनरी नहीं आती और वो हर डिस्ट्रिक्ट में एटलीस्ट 1 रिफाइनरी नहीं आती, तब तक के यह बेतुकी या जो कहेंगे कि अनलॉफुल बिजनेस करने वाले के तो अच्छा हो जाएगा, लॉफुल बिजनेस करने वाले के लिए इतनी पीड़ा होगी कि यह व्यवसाय पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगा। राजेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।